और हमें देवेंद्र आपको अवगत करा दें, आज हम मध्य प्रदेश चुनाव का सर्वे करत ऐसे गांव में आएगा जोन गांव का नाम है घुकसी। मध्य प्रदेश निवाड़ी जिला के घुकसी में बैठे हैं। घुकसी के अंदर भी अच्छी खासी वोटिंग है। वहाँ बीच में ऐसे प्रत्याशी सामान्य पिछड़ा वर्ग सीट से वहाँ बीच में अरविंद यादव जी मौके पर मौजूद हैं और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। जालंध भी घुमा दो कैमरा, देखो जो ग्रामीण क्षेत्र वाले सब आ गए, इनके समर्थन में कन्हैया। अब इनसे बतकाओ में पता चल जाएगी आखिरकार का इनको क्या हुआ। मैं बीच में देखो दादा लोग भी बैठे, सब मोड़ी मोड़ा युवा साथी बैठे, सब प्रथम ले चलत अरविंद यादव जी के पास। आखिरकार का इनको मुद्दा है, काय चुनाव लड़े जा रहे हैं, का इनकी मंशा है, गाँव में किस प्रकार को उथल पुथल मची है, का गाँव के अंदर एक लहर है, अरविंद जी बताएंगे। अरविंद जी नमस्कार। नमस्ते भैया। अच्छा, चुनाव में आ गए आप पहली बार, का मूल मंत्र है आपको, कैसे का प्लान बनेगा चुनाव लड़ने हैं? चुनाव लड़ने का सबसे पहला उद्देश्य ये है कि हमारे गांव में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और गांव का 8 साल में जो अभी इससे पहले जो भी प्रतिनिधि थे, उससे पहले जो रहे हैं, उन्होंने पानी की कोई भी व्यवस्था गांव में अभी तक नहीं कर पाई। अभी तक कोई भी व्यवस्था गांव में नहीं हुई है। हम लोगों ने स्वयं अपनी व्यवस्था करके, इधर आप देख सकते हैं ऊपर ये पाइपलाइन वगैरह जो स्वयं अपने उससे लाए, अपने खर्चे से। तो सबसे पहले तो पानी वाला मुद्दा है जी। दूसरा है ये जो रोड वगैरह हैं, जो ये जो सीसी वगैरह हैं, जो खराब क्वालिटी के सीसी जो ये बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। अभी आप आए होंगे तो वहाँ पे कीचड़ वगैरह होगा गांव में, तो ये सब चीज़ें सफाई वगैरह पे ध्यान देना और लोगों को थोड़ा सा रोज़गार की कोशिश करना। गाँव में काम अगर होंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। बस यही सब चीज़ें और सबका साथ और सब लोगों का, मतलब वैसे भी मदद करते रहते हैं। वोटिंग है ये यहाँ की 1850 के आसपास है। 1850 जी। सरपंची चुनावी संघर्ष कितने दिना हो गए तो आज मौका मिलेगा सरपंच चुनाव लड़ने में? हमें 10 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं। कैसे सुख दुख में आता का किस प्रतीक से? हम वैसे तो मान लो नॉर्मल तो लोगों की सेवा करते रहते हैं, पैसे वगैरह से, या किसी कोई परेशान है शादी वादी किसी की लड़की की कोई की शादी वगैरह, तो उसमें जितनी भी हेल्प हो पाती है वो हम अपनी जितनी भी कोशिश है करते हैं लोग करते हैं। देखो भाई, जब जो गांव वाले दादा लगा दादा राम राम। कौन हो अपना? सूरज यादव। सूरज जी बताओ कैसे खड़े उतरेंगे अरविंद भज्जा? अरविंद नाम विकास का। अच्छा, गरीबों का उत्थान। कितने दिन संघर्ष कर रहे हैं तो 10 साल से कम कम से कम इनको हो गए 12-13 साल। लोग लगे हैं मतलब दुख सुख में? नहीं, आधी रात भी किसी गरीब गुरबा को दिक्कत आए तो आप खड़े हैं सामने। अच्छा। चलो युवा जी बताओ कैसे, क्या प्रत्याशी हैं अरविंद जी आपके? बहुत बड़ी प्रत्याशी, भरोसा है विकास कह दी। तुम बताओ भज्जा का क्या हुआ है अरविंद जी के ऊपर? अरे हम अरविंद बढ़िया आदमी है और आगे विकास करेंगे। है भरोसा? हाँ पूरा भरोसा। तुम बताओ भज्जा का क्या हुआ? पूरा भरोसा। तुम बताओ? पूरा भरोसा। चलो जालंग चला देखो, समय कितने भरोसा है? बहुत अच्छे आदमी हैं वो, बढ़िया गरीबों के लिए हर बार में दुख सुख में शामिल है। बताओ कितने भरोसा है? पूरा। तुम बताओ भज्जा? पूरा है भरोसा, 100% का देखो सर, पूरा भरोसा कर रहे हैं। पहले देखो है जब तो कह रहे हैं हम। अच्छा, तुम बताओ भज्जा? 10 साल तो देख ही रहे हैं, तो भरोसा है, जब है? आए हैं यानी तो काय के लिए आएंगे? पहली बार है मतलब विजय बनाते हैं, छोड़ो हम थोड़ी है? खाएंगे। तुम बताओ भज्जे दादा? मैंने विजय बनाए। कैसे व्यक्ति हैं बताओ भज्जे? विश्वास है, विश्वास है, हैं तुम भज्जे? फुल विश्वास है, विश्वास है सर, भरोसा। किसी भी व्यक्ति का गली में रास्ते में एक्सीडेंट होगा, कुछ भी होगा, जिसने फोन किया तो गाड़ी लेके अपना स्वयं का डीजल लगाया। अच्छा। वो झांसी अस्पताल में भर्ती कराया, खुद डॉक्टरों को पैसा दिया, तन मन से सब लोगों को सहयोग है तरह से दिया गया है। उन लोगों को इतने विश्वास दिलाया कि किसी प्रकार से आप घबरा नहीं, हम हैं आपके साथ, जो भी पैसा खर्च होगा मैं लगाऊंगा। वो किसी से ना किसी को गलत ना सजा माने दी गई ना कुछ निहायत है, ऐसे तन मन धन से रहे। अभी मैं देखो सब लोग बैठे गांव के, सब लोग जुड़ गए हमारे बीच में। देखो ने कहा बुलाओ नहीं है जो अपनी मर्जी से जाकर, अरविंद भैया के समर्थक कह लो, सपोर्टर कह लो, पूरे गांव वाले जुड़े हैं। अब अरविंद भैया से अंतिम सवाल करवे जा रहे हैं। भैया अगर जो गाँव वाले को वोट पड़ गाओ, लोगों ने जिता दो, पहली प्राथमिकता क्या रहेगी गाँव को विकास को लेकर? पहली प्राथमिकता पानी की। पानी की जी, क्योंकि पानी की समस्या है जो वो सबसे जटिल समस्या है। वैसे निवाड़ी जिला के अंदर अनेक गांवों में गए होते तो पाइपलाइन बिछ गई लग गए, क्योंकि ये जो हमारा गांव है ये एमपी यूपी की बॉर्डर पे पड़ता है, बॉर्डर पे लास्ट, तो यहाँ तक पानी आने आते 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 बिल्कुल, वो बोलते हैं ना अपन की घड़ा जब
खाली हो जाता है तो वो स्थिति रहती है, यहाँ तक आ नहीं पाई है जी। तो आप कैसे प्लान करोगे पानी की, मध्य प्रदेश से लाओगे का उत्तर प्रदेश से लोगों को बोर कराओगे? नहीं, सिंचाई विभाग है जो, उससे उन लोगों से बात की जाएगी। सिंचाई के लिए हमारे यहाँ पे बहुत पैसा आया है, उससे पहले कई प्रतिनिधियों ने पैसा हजम कर दिया। अच्छा, मतलब वो लगा है। यहाँ पे पानी की टंकी भी बनी है, बिजन सिंह राठौर जो विधायक थे इससे पहले निवाड़ी के, उन्होंने पानी की टंकी दी थी गांव में, काफ़ी मतलब कुछ दिन वो अच्छी चली, उसके बाद फिर नहीं चल पाई वो। अच्छा। और पाइपलाइन भी गाँव में बिछी हैं, और ये जो जो अभी जो योजना है LNT की, जो पाइपलाइन गाँव में बिछे हैं, तो यहाँ पे इसको जो अभी यहाँ तक तो आ गया गांव की स्टार्टिंग में, गांव में, लेकिन वो पानी नहीं आ पा रहा है। तो हाँ, इसकी हम कंप्लेंट वगैरह करेंगे सिंचाई विभाग के। शिक्षा की अपन बात करें तो क्या शिक्षा की पोजीशन है? शिक्षा का स्तर हमारे गांव में बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ पे 75-80% लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है। अच्छा जी। और बाकी खेती किसानी वगैरह ये सब चीज़ें तो चलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया अरविंद भज्जा को, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र को, जो ने कई गांव वाले ने कई जात से छुपे वाली बात नहीं है, शाम के देख लीजिए जो खबर के अंदर अरविंद भज्जा के लिए कितने लोग समर्थन में हैं, कितने लोग आशीर्वाद देवे चाह रहे हैं। अब देखे वाली बात है कि जो जनता वास्तव में खरी उत्तरपात का नहीं, उत्तरपात का नहीं है, सरपंच बना रही का और काउ ठोक दे वोट। अब सरपंच बना थे तो गाँव का विकास तो कोई भी कराते, कोई बन जाए। अब विश्वास इतनी बड़ी बात है कि जनता ने जो कही है ये खरे उत्तरपात का ही उत्तरपात। कैमरा मैन आशीष के साथ देवेंद्र कुमार संवाददाता देव न्यूज़ झांसी।